यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी आज बहुमत परीक्षण का सामना करेंगे और ऐसी उम्मीद है कि राज्य में पिछले 10 दिनों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता का अंत हो जाएगा। और जेडीएस कांग्रेस बसपा गठबंधन के नेता कुमार स्वामी ने आज विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आपको बता दें कल ये शपथ ली गई थी। साथ ही अब कांग्रेस के 78 विधायक के जबकि बसपा का एक और कुमार स्वामी के जेडीएस के 36 विधायक हैं। गठबंधन ने केपीजेपी के एकमात्र विधायक और एक निर्दलीय विधायक के समर्थन का भी दावा किया है। कुमार स्वामी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा के बीएस येदियुरप्पा ने 17 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन सदन में विश्वास मत हासिल करने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा देने की भी घोषणा कर दी थी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। भारत भूषण शर्मा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। भारत भूषण, जिस तरीके से 10 दिनों से जो उठा पटक चलती आ रही है, आज उसका कहीं ना कहीं अंत हो जाएगा। बहुमत परीक्षण आज कुमार स्वामी को करना है। बिल्कुल, हम देखिए पिछले 10 दिनों से जिस प्रकार से कर्नाटक की राजनीति या ये कहें कि पूरे देश की नजरें जो है कर्नाटक की राजनीति पर लगी हुई थी, किस प्रकार से वहाँ पर जो उठा पटक चल रही थी, तो आज जो है आज कुमार स्वामी को बहुमत तो परीक्षण अपना साबित करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो है सबसे अहम बात है, बीजेपी ने एक अपना नया पैंतरा डाल दिया है कि बीजेपी ने अब जो है विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए अपना दावा पेश किया है कि विधानसभा अध्यक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है तो बीजेपी का ही विधानसभा अध्यक्ष होना चाहिए, यानी स्पीकर के पद की मांग जो है वो बीजेपी ने की है। ऐसे में सबसे अहम सवाल यही होगा कि अब शक्ति परीक्षण जिस प्रकार से कुमार स्वामी, ये तो लगभग तय है कि कुमार स्वामी जो है अपना बहुमत साबित कर देंगे, लेकिन उसके बाद अगर स्पीकर जो बीजेपी का आ जाएगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो है कर्नाटक में सरकार के लिए दिक्कत जरूर पैदा हो सकती है, कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर एक सामने आ सकती है। क्या लगता है भारत भूषण, जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए उन्होंने मांग की है, तो क्या लगता है वो मिल जाएगा उन्हें, क्योंकि बहुमत अभी भी नहीं है बीजेपी के पास? बिल्कुल, देखिए जो क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का फैसला भी जो होता है वो विधानसभा में ही सर्वसम्मति से लिया जाता है और सरकार के लगभग जो है सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको विधानसभा अध्यक्ष बनाते हैं। लेकिन अगर जिस प्रकार से राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल ने जिस प्रकार से बीजेपी को बहुमत के लिए बुलाया था, तो राज्यपाल कहीं ना कहीं अपनी तरफ से भी जो है, क्योंकि राज्यपाल ही शपथ दिलाते हैं विधानसभा अध्यक्ष को, तो कहीं ना कहीं जो है राज्यपाल जो है इस मामले में ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी जो है कर्नाटक में वो बीजेपी है, तो बीजेपी का ही विधानसभा अध्यक्ष होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी ये इस बात पर संशय बना हुआ है और हो सकता है कि आज शाम तक इस बात को लेकर भी स्थिति जो है वो साफ हो सकती है। तो अगर बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष बन जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। कुमार स्वामी सरकार जो है उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल बढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम देखिए इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है, क्योंकि सरकार अगर कोई भी अपना प्रस्ताव लेके आती है, कोई सवाल जवाब वहाँ पर विधानसभा में लगाए जाते हैं या विपक्ष की तरफ से कोई सवाल लगाए जाते हैं, तो ये स्वाभाविक बात है कि हालांकि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो एक संवैधानिक पद होता है, उसको निष्पक्ष रूप से चलना होता है, लेकिन आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष जो है वो एक राजनेता राजनीति के रूप से ही वहाँ पर चुन कर आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ये बात बिल्कुल हो जाती है कि अगर बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष बना तो उसको लेकर जो काफी संशय हो सकता है कि हो सकता है कि वो जो है सरकार के बजाय जो है विपक्ष को ज्यादा महत्व दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भारत भूषण शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती है, जिस तरीके से मांग की गई है बीजेपी की ओर से कि विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो बीजेपी से बनाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी होने के आधार पर उन्हें बनाया जा सकता है विधानसभा अध्यक्ष। तो स्पीकर के पद की मांग अब बीजेपी की ओर से की गई है।